हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। आज इस वीडियो में हम एम्स द्वारा एमबीबीएस के अलावा करवाए जा रहे कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ यह भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से कोर्स के लिए कितने सीटें हैं, उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और इनका ड्यूरेशन क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, एमबीबीएस के अलावा एम्स द्वारा 11 प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं। ये सारे कोर्सेज यूजी अंडर ग्रेजुएट लेवल के कोर्स हैं। ये कोर्स करने के बाद आप पीजी कोर्स भी कर सकते हैं। इन कोर्सेज की मार्केट में काफी डिमांड है और अगर ये कोर्सेज आप एम्स से करते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर नीट व एम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो दोस्तों, एम्स में एमबीबीएस के अलावा बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्स करवाया जाता है जो 7 एम्स द्वारा करवाया जाता है। ये सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए ही है। इसके बाद बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक कोर्स करवाया जाता है जो नर्सिंग कोर्स करने के बाद होता है। अगर स्टूडेंट ने जीएनएम वगैरह कर रखा है तो ये पोस्ट बेसिक कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद में पैरामेडिकल कोर्स हैं। ये पैरामेडिकल कोर्स एम्स के द्वारा 9 प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें 5 प्रकार के कोर्स एम्स दिल्ली द्वारा करवाए जाते हैं और 4 प्रकार के कोर्सेज एम्स भुवनेश्वर द्वारा करवाए जाते हैं। इसमें जो एम्स दिल्ली द्वारा पैरामेडिकल कोर्सेज करवाए जाते हैं वो है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। इसके बाद बीएससी ऑनर्स मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी, बीएससी कोर्स इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, बीएससी कोर्स इन डेंटल हाइजीन। इसके बाद बीएससी कोर्स ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। इसके ये तो हैं पैरामेडिकल जो 5 प्रकार के कोर्सेज हैं। इसके अलावा एम्स दिल्ली द्वारा बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्स करवाया जाता है और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक कोर्स करवाया जाता है। एम्स भुवनेश्वर द्वारा जो 4 प्रकार के पैरामेडिकल कोर्सेज करवाए जाते हैं वो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है। इसके बाद बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थेसियोलॉजी टेक्नोलॉजी है। इसके बाद बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी है और बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोथेरेपी है। तो इस प्रकार के ये 4 प्रकार के पैरामेडिकल कोर्स एम्स भुवनेश्वर द्वारा करवाए जाते हैं। तो टोटल पैरामेडिकल कोर्सेज एम्स दिल्ली और भुवनेश्वर द्वारा जो करवाए जाते हैं वो टोटल 9 कोर्स करवाए जाते हैं। अब हम इसमें देखें कि सीट किस प्रकार से कितने कौन से एम्स में कितनी सीटें हैं कोर्स वाइज। तो सबसे पहले हम बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की बात करें जो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए ही है। तो एम्स न्यू दिल्ली में टोटल 77 सीट हैं। यूआर कैटेगरी की 39 सीट हैं, यूआर पीडब्ल्यूडी की 02 सीट हैं, ओबीसी की 21 सीट है, ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी की 1 सीट है, एससी की 11 सीट है, एससी पीडब्ल्यूबीडी की कोई सीट नहीं है, एसटी की 6 सीट है और एसटी पीडब्ल्यूबीडी की 1 सीट है। इसके बाद एम्स भोपाल की बात करें तो इसमें टोटल 60 सीट्स हैं। इसमें यूआर कैटेगरी की 31 है, यूआर पीडब्ल्यूबीडी की 2 सीट है, ओबीसी की 16 सीट है, ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी की 1 सीट है। इसके बाद में एससी की 9 सीट है, एसटी की 4 सीट है। इसके बाद में भुवनेश्वर एम्स की बात करें तो इसमें भी टोटल 60 सीट्स हैं और यही कॉन्फ़िगरेशन इसका भी है सीट का। जोधपुर में भी 60 सीट है और पटना में भी 60 सीट है, रायपुर में भी 60 सीट्स हैं। इसके बाद एम्स भुवनेश्वर में 100 सीट्स हैं। 51 सीट यूआर कैटेगरी के लिए हैं, यूआर पीडब्ल्यूबीडी के लिए 3 सीट है, ओबीसी के लिए 27 सीट है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट है, एससी के लिए 15 सीट है, एससी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए 7 सीट है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो टोटल 477 सीट्स हैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फीमेल कैंडिडेट के लिए। उसमें यूआर कैटेगरी के लिए 245 है, यूआर पीडब्ल्यूबीडी के लिए 13 सीट्स हैं। इसके बाद ओबीसी के लिए 128 सीट्स हैं, ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 7 सीट हैं, एससी के लिए 71 है, एससी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 4 सीट हैं, एसटी के लिए 33 सीट्स हैं और एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1 सीट है। तो इस प्रकार से टोटल 477 सीट्स टोटल 7 एम्स में फीमेल कैंडिडेट के लिए बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए हैं। अब हम इसमें बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक की बात करें तो ये सिर्फ दिल्ली एम्स द्वारा ही करवाया जाता है। ये 2 साल का कोर्स है, जीएनएम के बाद करवाया जाता है।
तो इसमें जो टोटल सीट है वो आउटसाइडर कैंडिडेट्स के लिए टोटल 15 सीट है, उसमें यूआर की 6 सीट है, यूआर पीडब्ल्यूबीडी की 1 सीट है, ओबीसी की 4 सीट है, ओबीसी पीडब्ल्यू की कोई सीट नहीं है, एससी की 3 सीट है, एसटी की 2 सीट है। अब हम इसमें बात करें कि इसमें जो रिजर्व कैंडिडेट हैं, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, जो एम्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके लिए भी सीट रिजर्व हैं बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए। तो इसमें टोटल 10 सीट उनके लिए रिजर्व हैं, यूआर कैटेगरी के लिए 5 सीट से, यूआर पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 2 सीट है, एससी के लिए 2 सीट है, एसटी के लिए 2 सीट है। तो इस प्रकार से टोटल इसमें 10 सीट्स। अब हम बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज की सीट मैट्रिक्स की। तो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री में दिल्ली एम्स में टोटल 19 सीट है, उसमें यूआर कैटेगरी की 10 सीट है, एससी की 2 सीट है, एसटी की 2 सीट है, इसके बाद ओबीसी की 5 सीट है और एक इसमें ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी की सीट है इसमें। इसके बाद में बीएससी ऑनर्स मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी में दिल्ली एम्स में टोटल 9 सीट है, यूआर कैटेगरी की 5 सीट है, एससी की 2 सीट है और ओबीसी की 2 सीट है इसमें। इसके बाद में बीएससी इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट में दिल्ली एम्स में टोटल 8 सीट हैं, यूआर के लिए 5 सीट हैं, एससी के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 2 सीट हैं इसमें। बीएससी इन डेंटल हाइजीन में दिल्ली में 4 सीट हैं टोटल, 2 सीट यूआर कैटेगरी के लिए हैं, 1 सीट इसमें एसटी कैटेगरी के लिए है और 1 सीट ओबीसी कैटेगरी के लिए है। अभी बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में दिल्ली एम्स में टोटल 5 सीट हैं, 3 सीट इसमें यूआर कैटेगरी की हैं, 1 सीट एससी कैटेगरी की है और 1 सीट ओबीसी कैटेगरी की है। तो ये टोटल जो 5 कोर्सेज हैं दिल्ली एम्स में, इस प्रकार से इसमें सीटें हैं। अभी जो भुवनेश्वर में 4 प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं पैरामेडिकल के, उनमें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में टोटल 10 सीट हैं, 4 सीट यूआर कैटेगरी की हैं, 2 सीट एससी कैटेगरी की हैं, 1 सीट एसटी कैटेगरी की है, 3 सीट ओबीसी कैटेगरी की हैं और 1 सीट है वो ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी की है। इसके बाद में ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी की भुवनेश्वर में 10 सीट हैं, इसमें टोटल 4 सीट यूआर कैटेगरी की हैं, 2 सीट एससी की हैं, 1 सीट एसटी की है और 3 सीट हैं इसमें ओबीसी की, 1 सीट है ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी की। इसके बाद मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी में भुवनेश्वर में टोटल 10 सीट है, उसमें 5 सीट यूआर कैटेगरी की है, 2 सीट एससी की, 1 सीट एसटी की, 2 सीट ओबीसी की, 1 ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी की सीट है। इसके बाद मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी की बात करें हम, तो इसमें सॉरी रेडियोथेरेपी में, तो रेडियोथेरेपी में भुवनेश्वर में 5 सीट है, 3 सीट इसमें यूआर कैटेगरी की है, 1 सीट एससी कैटेगरी की है और 1 सीट ओबीसी कैटेगरी की है। तो इस प्रकार से टोटल पैरामेडिकल ये 9 कोर्सेज में टोटल 80 सीट है, 41 सीट यूआर कैटेगरी की है, 13 सीट इसमें एससी कैटेगरी की, 6 सीट एसटी की है और 20 सीट ओबीसी कैटेगरी की है, 4 सीट ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी की है। इसके बाद में हम इसकी इंट्रेंस एग्जाम की एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें हम, तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए एक 2 आवर्स का एक पेपर होगा ये, उसमें एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, 30-30 के इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के होंगे और 10 मार्क्स का इसमें जीके का होगा। तो टोटल 100 का ये क्वेश्चन पेपर होगा। इसके बाद में जो बाकी कोर्सेज हैं पैरामेडिकल कोर्सेज, इनका 90 मिनट्स का पेपर होगा, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट इसमें आएंगे, इसमें बायोलॉजी और मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट हैं वो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों के पार्ट आते हैं, तो दोनों में से एक को आपको अटेम्प्ट करना होता है इसमें। इसके बाद में हम पैरामेडिकल के बाद में पोस्ट बेसिक की बात करें, तो पोस्ट बेसिक के लिए 2 प्रकार की एग्जाम होती हैं, रिटन टेस्ट होता है, इसमें 70 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 90 मिनट्स का पेपर होता है इसमें,
तो इसके बाद में इसमें पर्सनल असिस्टेंट और इंटरव्यू का ये दूसरा एग्जाम होता है, उसके बाद में ये 30 मार्क्स का होता है और इसमें टोटल 100 मार्क्स में से मेरिट निकाल के सिलेक्शन दिया जाता है इसमें। अभी इसमें हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए 10+2 पास होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए, जेएनएम में डिप्लोमा होना चाहिए इसमें, और रजिस्टर्ड होना चाहिए आरएन आरएम या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग से ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके बाद में पोस्ट बीएससी नर्सिंग ऑनर्स की बात करें इसमें, तो बीएससी नर्सिंग ऑनर्स के लिए भी 10+2 होना अनिवार्य है और पीसी भी होना अनिवार्य है। इसके बाद में हम बात करें इसमें जो पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, तो इसके लिए भी 10+2 होना आवश्यक है। तो दोस्तों ये जानकारी थी एम्स द्वारा एमबीबीएस के अलावा बाकी कौन से सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं उनके बारे में, इनके रजिस्ट्रेशन कब हो स्टार्ट होंगे, कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो में नेक्स्ट में बना दूंगा। तो तब तक मैं आपसे लेता हूं विदा, लेकिन जाते जाते आपसे ये बात जरूर कहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक जय हिंद।